जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, होप ऑल आर गुड। दिस इज कुंदन गुप्ता, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस अभी मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अचानक से एक ट्रिप बन गई है और जा रहे हैं हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं अभी मैया के दरबार। तो हम लोग बहुत खुश हैं। अभी तो मैं रेडी होने वाला हूँ और पैकिंग करूंगा। उत्सव गया है नहाने, जो कि मेरा रूममेट है, और राजन और नितिन जा रहा है हमारे साथ में। मैं, राजन, नितिन और उत्सव, तो वो दोनों के अपने रूम पे रेडी होने, पैकिंग वगैरह करने। तो अभी बैग वगैरह मैं निकाल लिया हूँ पैकिंग करने के लिए, और अलमीरा भी ओपन है। तो अभी चलिए पैकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज, ये वाला बैग मैं लेकर जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक सेट कपड़ा रख लिया, एक जीन्स, एक शर्ट, ये वाला डेनिम ऊपर से पहनूंगा, एक हुड, एक स्वेटशर्ट भी रख रहा हूँ ये वाला, क्योंकि पता नहीं ठंड लग सकती है। तो अभी बस हाँ इतना ही लेकर जाने वाले हैं। और सब देख सकते हैं कैसे ख़राब हो गया है, क्योंकि लगेज वगैरह जो था ना बेड के अंदर था, तो निकालने में सब ख़राब हो गया है। देखो बैग कितने पड़े हैं यहाँ पे, इतने सारे बैग, 1 2 3 4 5, और ट्रैकिंग बैग भी है यहाँ पे 6 मतलब 6-7 बैग है। तो अभी चलते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। सो गाइस, एवरीथिंग इज सेट फॉर वैष्णो देवी यात्रा। तो अभी हम लोग अच्छे से तैयार सैर हो चुके हैं और मैं रेडी हो गया हूँ, नितिन भी आ गया तैयार होकर। आज बहुत दिनों के बाद, नहीं बहुत दिनों के बाद, पहली बार शर्ट जींस पहनकर आया है। और राजन प्रेस कर रहा है, ये भी रेडी। और देखो क्या क्या रखा है खाने के लिए, बिस्किट्स का भर भर के। तो अभी रेडी है, 4 बंदे हैं हम लोग, बट एक और बंदा ऐड हो गया जो कि मेरे घर के पास का ही है, सौरभ, तो उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो अभी चलते हैं फगवारा स्टेशन के लिए, निकलते हैं, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं बट हमारा ट्रेन है 1 बजे। तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि रात में न ओला चलती है न ऑटो, तो अभी पहुँच जाएंगे वहाँ। तो फिर आपको चलिए दिखाते हैं अच्छे से, चलते हैं वैष्णो देवी। जय माता दी। सब एक बार जोर से बोलो, जय माता दी। सो गाइस, अभी हम लोग लॉ गेट के पास आकर बैठे हैं इधर, और अभी मतलब कि ओला का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ऐसे ट्राई किया, कोई भी ओला आने के लिए तैयार नहीं था, कैंसिल कर दे रहा था राइड। तो अभी एक ओला है वो जो कि रेडी हो गया, तो अभी आ रहा है। अभी हम लोग बैठे हैं डोगरा ढाबा के पास, तो जस्ट मतलब 5 से 10 मिनट में आ जाएगा वो, तो फिर जाएंगे फगवारा रेलवे स्टेशन। बट अभी 2 से 3 घंटे बचे हुए हैं, तो कोई ना वेट करना पड़ेगा या फिर किसी फ्रेंड के रूम पर चला जाऊँगा। तो बस आज हम लोग पहुँच चुके थे फगवारा रेलवे स्टेशन, बट अभी ट्रेन को आने में कम से कम 2 से 3 घंटे, मतलब 1 घंटे तो और लेट ही हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक फ्रेंड के रूम पर, फगवारा में ही है तुषार दास, जो कि आप पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो वो अभी उसके रूम पे जा रहा हूँ, तो 2:40 में ट्रेन आने वाली है, तो उसके रूम पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे आराम से 2-3 घंटे, फिर उसके बाद जाएंगे फगवारा, तो रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। तो चलते हैं उसके रूम पे। सो गाइस, अभी मैप खोल लिए, अब जा रहे तुषार के रूम पे, रूम तो पता नहीं है, तो मैप उसने लोकेशन भेजा है, तो अभी जा रहे उसके रूम पे। तो चलते हैं, यहाँ से शो कर रहा है 1.1 किलोमीटर। अभी हम लोग, अब ट्रेन का टाइम हो गया, तो तुषार के रूम से आ गए हैं हम लोग, तो अब जा रहे हैं स्टेशन। तो चलते हैं सीधा स्टेशन, वहाँ रेस्ट किया तो सही लगा, तो अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, तो चलते हैं सीधा स्टेशन पे। तो फगवारा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और हमारे साथ 5वां बंदा भी पहुँच चुका है। कहाँ गया? हाँ सौरभ, तो 5वां बंदा है, तो अभी पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, ट्रेन आएगी, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। अब ट्रेन आने में कम 5 मिनट बचे हैं, बस ट्रेन अब पहुँच ही गई है, तो अभी वेट कर रहे हैं। आ ही गया यार, तो अभी निकलेंगे यार, बट बहुत ही लेट कर दिया। तो ट्रेन आ रही है। तो गाइस, हम लोग रात में सही से बैठ गए थे अपना सीट ढूंढ कर, फिर उसके बाद लेट ही हो गया, तो वैसे तो सो गए थे हम लोग। फिर अभी उठे हैं सुबह 5 बजे, बट यहाँ अब तो ठंड लग रही है यार, और नेटवर्क काम करना बंद कर दिया है, तो बस कुछ नहीं कर सकते अब, ना कॉल, नो कॉल्स, नो मैसेज, तो बस नहीं। 5 बज गए हैं, ये देखो, तो आप मतलब पता नहीं कभी पहुँचेंगे, देखते कब पहुँचेंगे, तब तक तो मजे लो गाने के, बस ऑफलाइन सॉन्ग चल सकते हैं अब, ऑनलाइन खत्म, तो कोई ना। तो है अभी सुबह के वक्त के साथ, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो अभी यहाँ से कटरा शायद दूर है, तो देखते हैं कि कैसे जाना है यहाँ से, बट अभी जम्मू तवी पहुँच गए हैं, तो चलते हैं अभी से। सुबह ये है जम्मू तवी स्टेशन, अभी इधर से जाते हैं, देखते हैं कि क्या इससे कैसे क्या ही करना। सो गाइस, ये खुशखबरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो चल नहीं रहा है, बट इसके पास पोस्टपेड सिम है,
तो सही है, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क आप चला सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, तो ये है फ़ायदा। गाइस अभी हम लोग जम्मू तवी बस स्टैंड में हैं, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग कटरा, तो बस से जाना पड़ रहा है, तो अभी हम लोग बस से बैठ गए हैं। और एक फ़ायदा पोस्टपेड सिम का, यूट्यूब चला पा रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलते हैं, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे कटरा, तो अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज हुई है ब्रेक रिफ्रेशमेंट होने के लिए, तो अभी हम लोग सब उतरे हैं, देखते हैं कुछ चाय वगैरह पियेंगे और साथ में सुबह सुबह मंकीज। सो गाइस बस मैंने अभी चाय लिया है और चिप्स, चाय चिप्स खाते हैं। गाइस अभी हमने खा पी लिया है, अच्छे से रिफ्रेशमेंट हो गया, चाय वाय पी लिया, तो अभी निकलेंगे हम लोग। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताएंगे जरा कटरा आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यू? बहुत मजे आ रहे हैं। नो कमेंट। जबरदस्त जबरदस्त, तो मजे आ रहे हैं। अभी बस यहाँ पे खड़ी है, तो निकलते हैं थोड़ी देर में, बस पता नहीं ड्राइवर कहाँ चला गया, तो वेट कर रहे ड्राइवर का। और देखिए गाइस कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे यार, तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट वाले एरिया में पहुँच चुके हैं, पंडित जी मिठाई वाले, वाह क्या नाम है। तो गाइस अभी पहुँच चुके थे वहाँ बस स्टैंड, तो अभी जो होटल वगैरह देख रहे हैं, तो चलते पहले होटल देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, बालगंगा में नहाना है या फिर रूम पे नहाना है, जैसे होगा वैसे देखते हैं। तो अभी जा रहे हैं होटल की तरफ, एक अंकल मिले थे बस स्टैंड पे, तो होटल के बारे में बता रहे थे वो, तो जा रहे हैं होटल देखने की, कैसा है, अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो दूसरा देखेंगे। हम लोग रूम ले लिए थे, वहाँ पर मिल गया था, फिर उसके बाद रूम में गया, नहाया, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, अच्छे से फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद रेडी हो गया। तो अब जा रहे हैं हम लोग वो पास लेने, जो कि यात्रा शुरू करने के लिए वो ज़रूरत होती है, तो पास लेने गया। हाँ तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग भाई बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग आए थे फगवारा से, मतलब पंजाब से यहाँ जम्मू तवी, तो वहाँ तक आ सकते हो, फिर वहाँ से कटरा बस स्टैंड आने के लिए 120 रुपये लिए बस से 120 रुपये लिए, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर रूम लिया। रूम आपको कैसा मिल सकता है 500-1000, मतलब कि अगर 2-3 घंटे के लिए लेना है बस नहाने वहाने रेडी वेडी के लिए, तो 500 तक मिल जाएगा। अगर 24 आवर के लेना है तो 1000-1200-1500, हमने 24 आवर के ले लिया है। तो बस अभी आ गए हैं बस स्टैंड, अब जा रहे हैं पास लेने के लिए, फिर पास लेंगे, फिर खाएंगे, फिर उसके बाद यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं माता रानी का नाम लेके, जय माता रानी। तो हमें ना लाइन में लगना पड़ रहा है वो आईडी कार्ड लेने के लिए, जो कि पास होता है ऊपर जाने के लिए, तो लाइन में लगे हैं। तो बस अभी पता नहीं कितना टाइम लगा, बस लाइन में लगे, आधार कार्ड की ज़रूरत है तो आधार कार्ड ले लिए हैं, अब लाइन लगे गए वहाँ से आईडी कार्ड लेकर। ये रहा आईडी कार्ड, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आईडी कार्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइन में, तो अभी यहाँ पे ये बनवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइस अभी हमने ये सर पे भी बनवा लिया, जय माता दी वाला, तो अब हम ढूंढ रहे हैं होटल, खाएंगे तो खा कर ही ट्रैक स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी कोई होटल ढाबा या कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं होटल फिर खाएंगे। सो गाइस हमने पराठा ऑर्डर किया है, पराठा एंड अचार, तो खाते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस हम लोग पराठा खाकर आ चुके हैं, बट पराठा अच्छा नहीं था, तो स्कैम हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं था, कच्चा ही दे दिया, मतलब बताओ यार, यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है, तो कोई ना। तो अभी हम लोग खा लिया, हमारा ट्रेक स्टार्ट होने वाला है, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। अब आपने इस ब्लॉग में देखा कि हमने अच्छे से खा पी लिया और पहुँच गए, अब हमारा ट्रेक स्टार्ट होने वाला है, तो आप अगले ब्लॉग में देखोगे हमारा मतलब कि क्या कहते हैं वैष्णो देवी का यात्रा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अगला ब्लॉग जरूर देखना। सारा तेरे चरणों में बालू बोली माँ।